आज हम बनाएंगे बकरे का गोश्त, जैसे मटर बहुत पहले। ये मेरे पास 1.5 किलो गोश्त है, मैंने इसको धो लिया, धो के अब इसको पैन में डाल देते हैं। अब इसमें ये मेरे पास दरमियानी साइज के 2 प्याज हैं। ज्यादा प्याज डालेंगे तो हमारी जो हंडिया है वो मीठे की तरफ चली जाती है। 1 गट्ठी लहसुन की थी उसको मैंने छील लिया, वो डाल देते हैं। अब इसमें मसाले डालेंगे। ये मेरे पास रेड चिली पाउडर, रेड चिली पाउडर डिपेंड करता है कि अगर आपकी कड़वी है तो आप अपने जायके के हिसाब से डालें। मैं इसमें डालूंगी 1.5 चम्मच, 1 चम्मच चला गया और 1/2 चम्मच और 1.5 चम्मच रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक। इसमें डालेंगे 1 कप पानी डालकर इसको मैं मिक्स करती हूँ। मुझे सबसे ज्यादा हंडिया जो है गोश्त की आसान लगती है। आप इस तरह का बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत मजे की और लजीज हंडिया बनेगी। अब मिक्स हो गया। ये मेरे पास टमाटर है, टमाटर मेरे पास 3 है, टमाटर इसमें ज्यादा जाएंगे, मजे की हंडिया बनती है। इस तरह करके मैंने 4 पीसों में काट लिया। आप इनको यूं इस तरह करके रख दें। इसको पहले तो ये गला लेंगे कुकर में। अब ये मैंने आपके दिखाने के लिए रखा है इसको काटना कैसे। अब इसको यूं काटेंगे और ये जो इसका है ये रिमूव कर दिया करें, वरना ये गलती नहीं है और अच्छी नहीं लगती फिर खाने में, और हंडिया में भी ये मजे की नहीं लगती। ये जो इसका बीज होता है, 2 प्याज 3 टमाटर। अब इसको मैं कुकर में बंद करके ढककर 20 से 25 मिनट गला लेती हूँ, देखती रहूंगी साथ गल गया तो फिर उसके बाद मिलेंगे। अब ये 1 चम्मच साबित गर्म मसाला है, 2 इलायचियाँ, लौंग, दालचीनी, ये डाल देते हैं। इनको डाल के अभी इसको गलाते हैं। अब गोश्त हमारा गल चुका है, अब छिलके जो है टमाटरों के ये रिमूव कर लेते हैं, ये अच्छे नहीं लगते। मैं छिलके सारे इस तरह सारे निकाल लेंगे। फिर मैं बड़े बर्तन में इसको मैं शिफ्ट कर लूंगी उधर, फिर बनाते हैं और मसाले जो भी डालने मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ। अब ये खुले बर्तन में डाल लिया, इसमें टमाटर प्याज गल चुके हैं। अब इसमें ये लहसुन का, सॉरी, अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसमें तेल डालते हैं 1/2 पाव तकरीबन। ये कोरमा बना है, कढ़ाई हो ना अगर बनानी हो गोश्त की कढ़ाई तो उसमें साबित जापन किस तरह गलने रखे तो साबित गर्म मसाला नहीं जाता, ये कोरमे में जाता है जो मैंने साबित गर्म मसाला डाला है। अब इसमें धनिया पाउडर 1 चम्मच भरकर, थोड़ा सा जीरा, समझो तो 1/2 टीस्पून जीरा। अब इनको फ्राई करते हैं, अगर नमक चख लेंगे, नमक कम होगा तो नमक यहाँ इस जगह पे मौके पे नमक डालेंगे। अब इनको फ्राई करते हैं। नमक कम है, पहले मैंने 1/2 टीस्पून डाला था, अब मैं अपने टेस्ट के हिसाब से और डाल रही हूँ, मुझे नमक कम लगा है। अब इसको मैं ये दही डाल देते हैं। अब इसका पानी नहीं खुश होगा, ये पानी खुश नहीं करना। ये मेरे पास 1/2 पाव दही है, इसको मैंने फेंट लिया, हीट को स्लो कर देते हैं।
अब ये मेरे पास उसी दही वाले बर्तन में मैंने आधा पाव और पानी डाल दिया। अब इसमें ये अपने टेस्ट के हिसाब से मेरे पास ग्रीन चिली है, मैं ये डाल रही हूँ। अब इसको 3-4 मिनट ढक देते हैं, ज़्यादा नहीं पकाना, हमें शोरबा चाहिए। अब इसमें 1/4 टीस्पून काली मिर्च पीसी हुई और 1/3 स्पून गरम मसाला। मिक्स करके अब इसको उतार लेते हैं और सॉरी अब इसमें ये डालेंगे थोड़ा सा 1 चम्मच बटर। अब बटर डालकर बटर मिक्स हो जाए इसको बंद कर देते हैं। अगर चाहे तो आप ऊपर धनिया की गार्निश कर लें। ये हंडिया तैयार है, बहुत इजी और झटपट बनने वाला गोश्त और मज़े का बनने वाला। आप इसको ट्राई करना इस तरह, अल्लाह करे आपको पसंद आए। मुझे बहुत इजी और बहुत मज़े का लगता है। इसी के साथ ही ज़्यादा चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।